राम राम, नमस्कार सभी दोस्तों को। एक और गोधन, दो बार जिसने रुद्रनाथ के बछड़ों को जन्म दिया, तीसरी बार फिर रुद्रनाथ से ही प्रेग्नेंट होने के लिए आज आई है भाई। गांव है मोखरा, जिला रोहतक, तहसील मैम, डॉक्टर सचिन भाई हैं। इनका अपने कैलाश जो बछड़ा था वो इसी अंजना गो माता का था, पिछले ब्यात का रुद्रनाथ का। और अब की बार फिर जो ये एक भव्य छोटा नंदी रुद्रनाथ का ही बेटा अब की बार भीष्म को माता ने दिया है। और सचिन भाई ने 3-4 हिट इसकी मिस कराई, क्योंकि रुद्रनाथ वहाँ गया हुआ था भाई वीर भाई के पास। तो आज ये गो माता प्रेग्नेंट होने के लिए फिर आई है, तीसरी बार, लगातार तीसरी बार। ये देखें, जंप करने की पूरी कोशिश गो माता करने लग रही है नंदी के ऊपर। डॉक्टर सचिन जी, कृपया इधर आने का कष्ट करें, डिटेल बताएं पूरी अपनी गाय की। गांव पूरा गांव राम मिला, गांव गुवाण, जिला तहसील के बारे में बता, गांव बता। गांव मोखरा, रोहतक, तहसील मैम। हाँ, जिला रोहतक, तहसील मैम। आज अपनी गांव ने कितना दूध दिया भाई? कड़ा अपनी गांव ने भाई गोलू पहले ब्यात में 12-13 लीटर दूध दिया। पहले ब्यात में 12 ला ले। हाँ, 12 से। हाँ, दूसरी बार ये यही थी 5-6 दिन की। हाँ, जब गाय में 12-13 लीटर दूध तैयार था, 5-6 दिन की, 5-6 दिन की मेरी। हाँ, तो लेकिन अडर में गांठ होगी, अडर में गांठ होगी, दूध की साइड, दूध का ढाई साइड, ढाई साइड। हाँ, तो मस्टाइटिस कह दे, मस्टाइटिस आ गया था। तो फिर इसका इंजेक्शन वगैरह लगाए। हाँ, गाय ने बिल्कुल दूध सुखा दिया, बछड़ा भी नहीं सका। हाँ, 3-4 दिन तक। तो उसके बाद धीरे धीरे बजी ये ज्यादा से ज्यादा 14 लीटर दूध भी आई दूसरे ब्यात में, दूसरे ब्यात में। हाँ, और तीसरे ब्यात में गाय से जो कैलाश नंदी था, कैलाश नंदी, उस ब्यात में, तीसरे ब्यात में इसने 16 लीटर दूध निकाला, 16 दिया तीसरे ब्यात में, तीसरे ब्यात में। और अब की बार ये चौथे ब्यात में है, और 4.5 महीने की ब्याई हो चुकी, 4.5 महीने की ब्याई होली, 28 दिन की हिट में आ गई थी ये। हाँ, लेकिन आपके पास ये रुद्रनाथ नंदी महाराज, अब वो वीर भाई दो हजार था। हाँ, तो अच्छे नंदी व्यवस्था ना होने के कारण मैंने इसकी हिट उठाई। तीसरी हिट में मैंने एक हरी पुल की शिमनी भी रखवाई थी। हाँ, वो शिमनी इसने मानी नहीं, शिमन मान्या नहीं। तो फिर चौथी बार फिर आई हिट में। हाँ, जब भी रुद्रनाथ नंदी महाराज नहीं था यहाँ पे। हाँ, तो पांचवी बार हिट में आई है, तो इतना सब्र करना पड़ा। बार 16 प्लस दूध दिया गाय ने, अब की बार 16 प्लस हुई, 4 महीने की ब्याई है, 13-14 लीटर दूध अभी बचा रही। वो तो ऑर्डर क्वालिटी दिखने लग रही है भाई। देखो भाई, 4.5 महीने की ब्याई है लगभग, ये मानो आधा ब्यात गुजर चुका, और फिर भी आप इसको मतलब पांचवी बार क्या बनो भाई, पांचवी बार क्या बनो। हाँ, चौथी बार ब्याह लिया। हाँ, तो भाई अडर का हिसाब लगा के आपने खुद पता लग जाएगा। उम्र तो देसी की बेरा नहीं पटियार दी, काले एक खुट्टा भरा यार, सेवा हो ना भाई। हाँ, फिर मारा खागड़ तो लोग दो गुला है, इसकी बछड़ी दूध देखो दें दी, तो क्या तो कराओ बार बार है। देखो भाई, हरेक वो बालक की अपनी सोच है। हाँ, लेकिन मेरे पास जो रुद्रनाथ नंदी महाराज के रिजल्ट आए हैं उनसे मैं संतुष्ट हूँ। जो अपने पास कैलाश नंदी महाराज था, शिवों के बीच में पोल हम बड़ा। हाँ, जो थनों के ऊपर ना टेस्टिकल के पास जो थन होते हैं, बहुत बड़े बड़े थन आए हैं। हाँ, और इस बछड़े के भी ऐसे है, दिखावांगे इसकी गाय क्या बनो, लेकिन जब दिखावांगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि रुद्रनाथ नंदी महाराज की एक बार बछड़ी ले आइए गो माता, और उसका दूध दिखाएंगे। चलो, इतना तो पहले और भी भाइयों का बह जाएंगे, बतेरी बह जाएंगे। आपने न्यू कहने की जरूरत ना पड़ा कि भाई मारिया ने इतना देवंगी, इतना देवंगी, मल्ले का आप सुनेगा। तो ये देखें भाई, जो लक्षण बार बार बताए जाते हैं वीडियो में, जंप करने के 99% गऊ है जो किसी भी ब्रीड की हुई, अपनी देसी ब्रीड में, इंडियन ब्रीड, वो हिट में आओगी तो वो जंप करेगी ही करेगी, 99%। 1% अगर कोई, हाँ, 20 किलो दूध की गाय का नंदी हो, हाँ, क्या पता उसकी सारे एक बछड़ी 20 किलो भी दी। सही बात है भाई, 20 किलो की गाय की बछड़ी 8-8 किलो बरन दी, देखी है भाई, देखी है, आज नहीं सकती, देखी है। बछड़िया होने उनके करेक्टर है अच्छे, लेकिन दूध पियाने के बाद वो भी पता चल जाएगा। जब दूध के पांदो पलड़ा में दिख जाते हैं, थना वगैरह अच्छे आए हैं, तो दूध भी अच्छी आएगी। वही लोग हैं जो इसका सारा चैनल चलाए गए, और वही लोग आज उस बड़ भी चल रहे हैं कड़े, बात यह है। हाँ, जिन्हें न्यूनी बेरा था बत्र खेड़ी है कड़े,
वो अड़ा के बत्तर खेड़ी जा के नर फेरी वही उड़े के संचालक बने। वह धर्म के ज्ञान नहीं हो गए भाई, पूरी नस्ल का ज्ञान हो गया उन्हें। पुरानी कई पीढ़ियों से नस्ल संवर्धन करे है ना वह, जहाँ उन्हें ज्यादा बेरा हो है। अब कल लागे कड़ेपन के बेरा ते देखें भाई, कद काठी भी बहुत शानदार, और इसका बछड़ा जो कैलाश था वो भी क्या है क्या बनकर लग गया करा। हाँ, वो डेढ़ साल का करवा दी वाह ना, डेढ़ साल का हो गया उसकी। हाँ, उसे पांच छह गायें क्या बन रही, एक तो अपने पास जो कपूरी को माता अपनी मार्च में होया उड़ा है, वो 8 मार्च का जन्म आई, 8 मार्च ना, वो 2 साल का हो जाएगा। हाँ, डेट का बेरा बने, और यो 4.5 महीने का हो जाएगा, 17 तारीख को 4 महीने का हो गया। हाँ, तो लाले आज 29-30 हो, 4.5 का लाले 2 दिन गाटे लो भाई, थोड़ी बहुत देर में और वो माता प्रेग्नेंट हो जाएगी भाई, क्योंकि ये लक्षण जरूरी हैं। नंदी के ऊपर कूदना तब जाके कहीं गर्भधारण भी परमानेंट 100 का 100 माना जाओ उस टाइम पे, अब भाई खुली हुई है, बांधने के बाद फिर थोड़े कम चांस हो जाते हैं। कई बार कई गौंसों को बांधना पड़ता है क्योंकि वो नंदी से प्रेग्नेंट ना होती, कई बार सीमन से डटते हैं भाई, तो अलग अलग लक्षण हर एक हरेक पशु के अलग अलग हो जाए, हर एक गौवंश के अलग अलग होंगे। तो ये देखें नंदी महाराज भी अपने पूरी मस्ती में, गऊ भी अपने पूरे मध्यकाल में है, 4.5 महीने के होने के बावजूद आधा है हाथ से लिया गया भाई, फिर भी 14 किलो दूध इस गौ माता में है अभी भी। ऑर्डर क्वालिटी आपको देख कर पता लग भी रहा होगा। लो भाई छोड़ दे भाई, खोल दो गाय ने, खोल दो, वो माता प्रेग्नेंट हो गई है भाई, तीसरी बार फिर रुद्रनाथ नंदी से ही गर्भित। कड़े बछड़े नोर लिया, ये देखें भाई कैलाश भी जिस टाइम करे 4 महीने का, जब वो भी था जब ये हो गया बनोना ही थी पसल गिड़ा ना, वो ही टाइम आ गया फिर लगभग उतना ही टाइम पाई। ये देखें भाई कितना सुंदर बछड़ा है दोस्तों, सुंदरता तो भाई रुद्रनाथ में अलग ही आती है दोस्तों। देखो पोल, नाक, हम्प, नून कर ले थोड़ा। ये देखें भाई दोस्तों बड़ा ही लाजवाब, माता पिता और पुत्र तीनों बड़े, ओ बड़े आजा भीतर नहीं, आजा ले 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 ले, ले। आजा भाई आजा। ये देखिए भाई कितना लाजवाब बछड़ा है, और इस बछड़े की और इनकी वीडियो एक अपने अलाउड डेयरी फार्म के लिए अलग बनाएंगे भाई दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी भाई, और एक बार फिर मैं बता देता हूँ, जो शुद्ध हरियाणा ब्रीड हो वही प्रेग्नेंट कराने के लिए लेकर आए, चाहे 10 किलो की हो चाहे 8 किलो की हो, वो कोई दिक्कत नहीं, पर क्रॉस ब्रीड में कोई भी गोवंश होगा तो हम प्रेग्नेंट नहीं कराएंगे भाई, कोई भाई बेशक बुरा मानियो चाहे कुछ मानियो, आगे भविष्य खराब हो भाई नंदी का भी और ब्रीड खराब हो है। तो आप शुद्ध अगर आपके पास गोधन है तो ही आप रुद्रनाथ के पास लेकर के आए, अन्यथा भाई नहीं। पैदे काले पैदे दूध, बहुत ही सुंदर लाजवाब बछड़ा है भाई, 2 रिजल्ट साथ में आ चुके हैं, और तीसरा आपकी बार भगवान करे भाई ने भाई बछड़ी देवा मालिक की दाद है भाई, क्योंकि बछड़ी की बड़ी उम्मीद है भाई ने, अब की बार भी 5 हीट मिस कराई हैं गौ माता की, बस सिर्फ रुद्रनाथ से प्रेग्नेंट कराने के लिए। तो भाई राम राम, नमस्कार सभी दोस्तों को, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।